नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धनतोली में रेस्टोरेंट से 2,40,000 चुराए। ओम शिवम बिल्ड कॉम को ग्राहक आयोज का झटका। पैर फिसलने से उद्योजक पुत्र की मौत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। धनतोली में रेस्टोरेंट से 2,40,000 चुराए। धनतोली थाने से चंद कदमों की दूरी पर स्थित रेस्टोरेंट का शटर टेढ़ा कर 2,40,000 रुपए उड़ा लिए गए। यह घटना रविवार की तड़के हुई। गांधीनगर निवासी राकेश सेलारका का श्री गणेश सागर रेस्टोरेंट है। रविवार तड़के 4:10 पर तीन युवक बगैर नंबर प्लेट की एक्टिवा पर सवार होकर आए। उन्होंने बीच से रेस्टोरेंट का शटर टेढ़ा कर दिया। दुबले युवक ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। युवक ने काउंटर को खोल दिया, वहां से 2,40,000 रुपए निकाल लिए। महज 20 मिनट में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। यह वारदात रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह मैनेजर जब रेस्टोरेंट खोलने पहुंचा तो उसे चोरी का पता चला। उसने धनतोली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रेस्टोरेंट से जुड़े जानकार के लिप्त होने का संदेह है। धनतोली पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है। तो वही दूसरी ओर ओम शिवम बिल्ड कॉम को ग्राहक आयोग का झटका। अतिरिक्त जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग ने एक मामले में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। इसके चलते ओम शिवम बिल्ड कॉम कंपनी को जोरदार झटका मिला है। शिकायतकर्ता चंद्रपुर निवासी कृष्णा श्रीखंड है। उन्होंने ओम शिवम बिल्ड कॉम कंपनी के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत पर आयोग के अध्यक्ष संजय पाटिल, सदस्य स्मिता चांदेकर व अविनाश प्रभु ने की न्यायपीठ ने फैसला दिया है। श्रीखंडे ने कंपनी का हिंगना स्थित शव शिव कैलाश किम में एक फ्लैट 2,400 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से खरीदा था। यह फ्लैट श्रीखंडे को आयोग ने 27,01,190 रुपए में देने का निर्णय दिया था। तो वही तीसरे और पैर फिसलने से उद्योजक के बेटे की हुई मौत में अंबाजरी पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। हिंगना निवासी रोलिंग मिल के संचालक सुरेश कुमार चाफेदार का बेटा 25 वर्षीय यश 8 जून की शाम मित्रों के साथ अंबाजरी के रामनगर चौक पर आया था। वहां अचानक पैर फिसलने से यश के सिर पर चोट आ गई। वहां से यश घर आ गया। घर पहुंचने पर उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे प्रताप नगर के विवेका हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां 10 जून को उसकी मौत हो गई। प्रताप नगर पुलिस की सूचना पर अंबाजरी पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।